सेकंड काउंटर है बिजी बी के नाम से। बिजी बी क्या है इसे बताने के लिए हमारे साथ दो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, आइए उनका परिचय जानने की कोशिश करते हैं हम। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका जेकब है। प्रियंका जी, इस काउंटर का नाम बिजी बी क्यों? बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड बाई टू बिजी बीज, हम दो बिजी बीज ने शुरू किया है इसे, यस, इसीलिए इसका नाम बिजी बी है। एंड वी वॉन्ट टू कीप चिल्ड्रन बिजी, हम बच्चों को भी बिजी कंस्ट्रक्टिव वे में बिजी रखना चाहते हैं, जिससे बच्चे बिजी भी रहे लेकिन कंस्ट्रक्टिवली रहें, उनको फन के साथ लर्निंग हो। लर्निंग विद फन, लर्निंग विद फन, एग्जैक्टली। आपका नाम? आई एम कल्पना। कल्पना जी, जो आपने यहाँ मटेरियल रखे हैं, बुक्स हैं या दूसरी चीज़ों के रूप में, इसमें क्या है और किस तरह से बच्चे इसको अडॉप्ट करते हैं? दीज आर बेसिकली वी वे टीचर्स, तो हमने खुद बनाया है, तो हमने ऐसे वर्कबुक्स और स्किल एनहेंसर्स ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि बच्चे फन वे में एंगेज हो पाए। इट्स इज़ मेड इन दैट वे। ऑल्सो वी हैव ट्राई टू इनकलकेट आर एक्सपीरियंस, जो भी हमने 10-15 साल स्कूल्स में पढ़ा के जो भी हमने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो हमें पता है कि स्कूल क्लासेस में बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों का पसंद अच्छे से हमें वी नो दैट। आप लोग यहीं लखनऊ में टीचर हैं? नो, वी आर आर्मी वाइफ्स, तो वी हैव टॉट इन एबीपीएस स्कूल्स पैन इंडिया, तो भारत के हर कोने में हमने पढ़ा, के हर कोने में। जी हाँ जी, तो वही एक्सपीरियंस से हमने ये बुक्स डिज़ाइन किया है। एंड जो भी गवर्नमेंट का अभी जो नए पॉलिसीज़ है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी जो भी बताया है, लेस नंबर ऑफ बुक्स, मोर ऑफ एक्टिविटीज़, ये सब हमने इसमें इंक्लूड किया है। दैट्स वेरी गुड। हम एक चीज़ थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे आपने लिखा है ये मैथ फोल्डर है, ये यहाँ भी है, तो इस मैथ फोल्डर में क्या है और कैसे मतलब बच्चा जो है मैथ को इजीली जो है अडॉप्ट कर पाएगा या ग्रास्प कर पाएगा? ये मैथ फोल्डर में हमने अगेन जैसे फन विद लर्निंग जो हमारा कॉन्सेप्ट रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ पर जैसे जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैथ्स के, शेप, नंबर्स, वो बार बार कर पाएगा, रिपीटेटिवली कर पाएगा, बिकॉज दीज आर लैमिनेटेड, वो और यहाँ पर एक अच्छे मज़ेदार तरीके से सीख पाएगा इसमें। तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, तो रिस्पॉन्स कैसा रहा आप लोगों का इस? एक्चुअली लखनऊ ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। ये चीज़ बताता है कि लखनऊ के पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं एजुकेशन के बारे में, वो सजग हैं एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर, स्पेशली फाउंडेशनल लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट है। बड़े हो के बाद तो हर कोई जागरूकता रखता ही है उस एजुकेशन के बारे में बड़े लेवल की, बट छोटे लेवल पर भी, फाउंडेशन लेवल पर भी यहाँ के लोगों को जागरूकता है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बेबी बीच काउंटर पे ये दोनों महिलाएं हैं, आर्मी से संबंध रखती हैं, उनका कहना है कि जो कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इस बुक फेयर में, उसको लोगों ने, लखनऊ के लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। सौम्या शर्मा फ्रॉम नवयुग कन्या महाविद्यालय। सौम्या, यहाँ क्या करने आई है? हमारे कॉलेज में मतलब कि हम लोग को बुक फेयर के लिए बताया गया था, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो क्या क्या देखा आपने, क्या अच्छा लगा? हमें ये अच्छा लगा कि मतलब कि बुक्स बहुत सिस्टमेटिक ढंग से रखी हुई हैं और मतलब कि काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखी, नॉवेल्स दिखी, हिंदी को भी काफ़ी मतलब कि हम लोग को एपिक बुक्स भी मिल रही देखने के लिए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अच्छा। आपका नाम? कल्याणी पांडे। कल्याणी, किस तरह के बुक यहाँ पर अवेलेबल है और क्या अच्छा लगा उसमें से? यहाँ पे मतलब डिफरेंट राइटर्स की भी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे हमारे क्या कहते हैं स्टोरीज़ हैं, प्रेमचंद हैं, इन सब की भी काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं। हिस्ट्री, हमारा जो मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सबको भी लेकर काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, नॉवेल्स भी हैं और हमारे कॉम्पिटिशन की बुक भी है जो आगे काम आ सकती हैं हम लोग को कॉम्पिटिशन की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आपको लगता है कि बुक फेयर एक अच्छी चीज़ है? हाँ हाँ बिल्कुल, बुक फेयर अच्छी चीज़ है, नॉलेजेबल चीज़ है, मतलब उसमें हम लोग को इंटरेस्ट लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ बुक अच्छी भी लगती है तो उसको परचेस करना चाहिए। और हमने देखा यहाँ पे योगा का भी प्रोग्राम था, काफ़ी हम लोग ने इन्जॉय किया, तरह तरह के आसन्स बताए गए जो कि हम लोग की बॉडी के लिए बेनिफिट होते हैं। थैंक यू। आपका नाम? काजल केसरवानी फ्रॉम नवयुग कन्या महाविद्यालय। तो काजल, बुक फेयर में क्या कर रही हैं आप? जी, हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला, इससे हमारी पढ़ाई को लेकर बहुत आगे एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत योगा भी बहुत अच्छा हुआ, जिससे हमारे शरीर के बेनिफिट्स बहुत अवेलेबल रहेंगे। इस तरह किताबें हैं यहाँ? जी यहाँ पे अच्छी अच्छी राइटर के APJ अब्दुल कलाम और वो हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जिससे हमें आगे बहुत प्रेरित करेगी। थैंक यू। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, UP News, लखनऊ।